एक और शाम की महफिलों का क्लब है, फिर एक उसमें से अपना वो क्या कहते हैं वो पैमाना जिसको फूटा जिसे ये कहते हैं जी वो नहीं वो जो फार्म हाउस जी क्लब एक जी अलग है, जी तो जी जी बस बड़ी बड़े मामलात हैं, बेहतर है उन चीजों पर पर्दा पड़ा ही रहे, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा तो वक्त जरूर उठा देगा बहुत सारी चीजों से पर्दा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, साकब निसार ने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की रवायत डाली, इससे निजाम इंसाफ का नुकसान क्या हुआ और मकसद क्या था उनको जूनियर जजेस को आगे लाने का? देखिए मियां साकिब निसार साहब इंतहाई मुतसब और अकबरा परवरी करने वाले, करप्शन करने वाले, करप्शन को प्रमोट करने वाले, करप्शन करने वालों को अकामोडेट करने वाले जज थे, ठीक और ये उन्होंने काम शुरू किया जनाब मुनीब अख्तर साहब को सिंध हाई कोर्ट से चौथे नंबर से उठाकर ऊपर लेके आए। पहली वजह उसकी ये थी कि वो उनकी अराई बरादरी के थे, दूसरी उसकी वजह ये थी कि अगर उस वक्त के पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस ये अफरीदी साहब अपनी टर्म पे सुप्रीम कोर्ट आ जाते तो फिर मुनीब अख्तर साहब भले सुप्रीम कोर्ट आ जाते वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते थे। ये जो माफिया है ना, ये माफिया जुडिशियल माफिया, ये यहां तक सोचता है अपने बंदों को एलिवेट करवाने के लिए और आगे लाने के लिए कि खास खास सतह पे जाके ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, भले 20 दिन के लिए बने, नाम के साथ लग जाए चीफ जस्टिस, वरना मुनीब अख्तर साहब इस वक्त तक सिंध हाई कोर्ट के शायद शायद सीनियर प्यूनी जज होते या शायद चीफ जस्टिस होते। तो ये जो जूनियर जजेस को रिसेंट पास में ऊपर लाने वाला ये जो एक मनूवरिंग और ये मैं समझता हूं बेईमानी शुरू की है, ये साकिब निसार ने की है और जस्टिस मुनीब अख्तर से की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक सवाल और है, वो गिलगित के जो साबिक चीफ जस्टिस साहब के, उनके खिलाफ पर क्या कहेंगे? उन्होंने साकुन सार के बारे में जो कहा था वो सच है, और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर अब तक? देखिए मैं उनके हवाले से मैं इस बात पे कोई ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी आज तक राणा शमीम साहब से इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, ठीक मेरी डिस्कशन भी नहीं हुई, और लेकिन उनके हवाले से भी मैं ये कहता हूँ कि उनसे भी फिर मुझे गिला है, वो कहते हैं ना खूगरे हमसे थोड़ा सा यस गिला भी सुन ले, भाई आपने ये बात की है तो उस वक्त क्यों नहीं की, 3 साल आप अपने पास लेकर इसको बैठे रहे, देर एंड देन आप करते ताकि उसकी कोई वक्त भी होती। बात यह कि आप अपने जाती फायदों के लिए कि यार हो सकता है मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, हो सकता है मुझे कुछ और मराहत मिल जाए, हो सकता है मेरा बच्चा किसी जगह लॉ ऑफिसर बन जाए या उसकी एलिवेशन हो जाए, आप ये जो बेईमानियां हो रही होती हैं सामने के सामने इसमें आप हिस्सेदार बन जाते हैं, और फिर बाद में आपको याद आता है जिसका डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब को भी याद आया था, जी जिसका जी और ये जनरल शाहिद अजीज साहब को भी याद आया था, और जिसका कुदरतुल्ला शाह साहब को भी याद आया था, ये सब ऐसे ही हैं श्री के जुर्म रहने के बाद अपनी सफाई में, वो क्रिमिनल ट्रायल में कहते हैं 342 का बयान, ये 342 का बयान होता है इनका ये स्वाने उमरी। और पंजाबी में हमारी जो नानी और दादी वो कहते कि वेले दी नमाज तक वेले दी टकरा। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जी है जी जी जी। अच्छा सर, अभी एक सवाल और, क्योंकि अभी ये हो रहे हैं रिसेंटली, अभी चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इसमें भी हो जाए। साकन साहब को पब्लिक कमेटी, अकाउंट्स कमेटी ने तलब किया है, उन्होंने डैम फंड इकट्ठा किया, 9 अरब फंड इकट्ठा किया और उन्होंने 13 अरब इश्तहारों पर लगा दिए, क्या उनका हिसाब हो पाएगा सर? लगता है आपको, आप बता रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है अभी तक। देखिए एहतसाब तो चाहे कोई कितना ही स्ट्रांग हो, एक एहतसाब तो होता है ना मुल्क के कानून के तहत, कायदे के तहत, आईन के तहत, और एक एहतसाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला की तरफ से तो उनका एहतसाब ऑलरेडी जारी है, वो
वो पब्लिकली सामने, वो पब्लिक में नहीं, लोगों के सामने जा सकते, वो किसी कोई उनको इनवाइट करते हुए भी डरता है। एहतसाब तो उनका जारी है, वो तो और बाकी मुल्की कानून के तहत भी होगा, ये एक चीज हुई है। अब उनको प्रोटेक्ट करने वाले कितना अरसा मजीद रहेंगे इस निजाम में? ठीक इस निजाम में तो बड़े बड़े लोग आए, आप यकीन करें, जब इफ्तिखार चौधरी साहब सीनियर क्यों नहीं जज थे, तो अब ये मैं आपको बताऊं, इफ्तिखार चौधरी साहब की जिंदगी के ना, या उनके प्रोफेशनल लाइफ के दो दो हिस्से हिस्से हैं। हैं। ठीक एक उनका रिमूवल से पहले का हिस्सा है और एक रीइंस्टेट होने के बाद का हिस्सा है। रिमूवल से पहले वाले जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे ना, उनसे लोग डरते थे, ठीक और फिर वकला आपस में बात ये किया करते थे कि यार ये हाली सीनियर प्यूनी जजे, डरो उस वेले तू जदू इन्हें पता नहीं कितने 8 साल चीफ जस्टिस रहना है। लेकिन जब ये रीइंस्टेट हुए, जी फिर इनको पता चला कि यार असल प्रोटोकॉल क्या है, लोगों की मोहब्बत क्या है, लोगों के साथ बर्ताव क्या है, और फिर उस मूवमेंट के दौरान इन्होंने देखा कि लोगों ने इनसे मोहब्बत भी की, ठीक और इस लायर्स मूवमेंट की कामयाबी की एक बड़ी वजह ये थी, एक बड़ी वजह ये थी कि उस मूवमेंट में 99% वो वकील थे जिन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट का चेहरा भी नहीं देखा था, दरवाजा भी क्रॉस ही किया होगा शायद। और अगर सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के वकला के ऊपर मुश्तमिल मूवमेंट होती तो शायद कभी कामयाब भी ना होती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये उनका वो दूसरा हिस्सा जो आप बता रहे हैं। अच्छा सर, अब जरा मुझे आपको बतौर मतलब कानून दान और जज के तजर्बे की हैसियत से जरा ये बताएंगे कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के केस की हैसियत है क्या, और ये कैसे खत्म हो सकते हैं? ये काफी दफा मैंने काफी लोगों से सवाल किए, तो मैंने कहा आपसे भी ये कर लें। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो क्रिमिनल लॉ है ना जी, क्रिमिनल लॉ, जी उसके बारे में ये एक चीज मुसलमा असूल है कि अगर पूरे केस में कोई एक भी पहलू शुबा पैदा करता है ना, तो आपने उस शुबा का, सिर्फ एक शुबा काफी है उस पूरे केस को डस्टबिन में फेंकने के लिए। तो फायदा किसको होगा सर? ऑब्वियसली फायदा जो है वो जो अपीलांट है इस वक्त कोर्ट के सामने, उन्हीं को होगा। और इस केस में अभी तक जो मुख्तलिफ चीजें सामने आई हैं, मैंने